नहीं आ रहा ना, सभी हमारी इतनी गलतियाँ अल्लाह ताला को नजर आ रही है कि अल्लाह ताला हमें बारिश की बरसा रहे हैं। क्या खा रहे हो आजकल अफ्तारी में बताओ जी, क्या खा रहे हो अफ्तारी में? शौक से अफ्तारी में वही चिकन ही रखते हम लोग। तुम लोग तो हर वक्त चिकन खाते रहते हो? मैं चिकन रखता हूँ, वैसे दूसरे चिकन बन जाना। अच्छा, हर वक्त पूछो मैं चिकन खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ। नहीं आई मीन कुछ तो डिफरेंट। क्या डिफरेंट? कल क्या किया था हमने? कल हमने गोलगप्पे खाए थे। ये हुई ना बात, गोलगप्पे मजेदार है ना, गोलगप्पे भी बड़े मजे के होते हैं, बड़े मजे के होते हैं। तो कल हमने चेंज ये किया था। अच्छा, तो क्या चिकन डाल के खाए थे गोलगप्पों के अंदर? नहीं नहीं, चिकन पहले खा ली थी। तो चिकन खाते हो तो गोलगप्पों में भी चिकन डाल के खा रहे? गोलगप्पे चिकन ने भी गोलगप्पे खाए, चिकन ने भी गोलगप्पे खाए। अच्छा ठीक है, कुछ हेल्प करते हो? नहीं कर रहे, परसों इतना बड़ा लेक्चर दिया था मैंने कि थोड़ी सी हेल्प किया करो। वो करते तो हैं लेकिन पता है कि आपको लेट आता हूँ थोड़ा सा, तो एंड टाइमिंग पे जो है बॉक्स में क्या हेल्प की जाए, हेल्प इतनी की जाती है बस। हाँ हाँ, अच्छा मैंने भी एक बात बोली थी कि जाहिर तुम्हारा भी एक फैमिली, तुम भी जो एक फैमिली माशाल्लाह बड़ी फैमिली है तुम्हारी भी, अक्सर तुम बताते हो। तो मैंने कहा था कि जैसे हमारे यहाँ स्पेशली खवातीन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, मैं खुद एक ज़ाहिर खातून हूँ, एक लड़की हूँ मैं भी, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और किस तरह से हम उनको डील कर रहे होते हैं। कि एक दूसरे की बातें बुरी लग जाती हैं और फिर वो दिमाग में बातें बैठ जाती हैं और फिर वो हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं, वो सारी चीज़ें। तो तुम्हारे तुम्हें कभी नज़र आता है इस तरह से? बुरी तो लगती है लेकिन फिर मैं ये करता हूँ कमरा छोड़ देता हूँ। उनको बहुत सारी लगती है फिर। अच्छा, उनको बहुत बुरी लगती है बातें, बातें बुरी लग रही होती है ना बहुत। फिर कैसे समझाते हो, क्या कहते हो? कुछ भी नहीं कहते। हाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि कहना उस टाइम पे फजूल होता है, कुछ भी कहने से जो है ना वो मसला हल नहीं होता। सही बात है, कहते हैं ना खामोशी हजार चीजों की वो बुराइयों को जो है ना वो रोक देती है, तो हमें चाहिए कि हम खामोश हो जाए करें सब, क्योंकि एक मसला अगर खड़ा होता है ना जहन में, एक चीज बैठ गई तो वो बस सामने वाला यही सोचता है कि हम सही कह रहे हैं, बस ये जो है ये ऐसे ही। हाँ हाँ ठीक है, चले जी अभी हम जाने हैं हमने ब्रेक पे। थैंक यू सो मच हिलाल कि आपने हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताई, और रमजानों में भी आप लोगों के पीछे पड़े हैं कि वो एक्सरसाइज करें, छोड़ नहीं रहे। मैंने इतना कहा था कि हिलाल एक्सरसाइज नहीं, नहीं नहीं एक्सरसाइज तो कराना जरूरी, क्यों एक्सरसाइज कराना जरूरी रमजानों में? आदत पड़ गई। नहीं आदत नहीं, बताओ तो उसे क्या क्या जरूरत क्या है? जरूरत ये है क्योंकि असल में देखिए हम नॉर्मली जो है वो फैट इनटेक इतना ज्यादा नहीं ले रहे, डीप फ्राई इतना ज्यादा नहीं खाते, ठीक है, रमजानों में हमारी डीप फ्राई बढ़ जाता है। ठीक है, समोसे पकौड़े हो गए, रोल हो गए, ये सारी चीजें हो गई, बाकी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा है, आलू है, छोले हैं, ठीक है, दही बड़े हैं, यम यम। तो इसीलिए उनको मेंटेन करने के लिए मुझे खाने की याद दिलाना शुरू कर देता है। फिर तो उनको मेंटेन करने के लिए जो उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग में थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट्स की। ठीक है, तो वो जरूरी होती है, वो जरूरी होती है जी, थोड़ी सी कर लीजिए। थैंक यू सो मच हिलाल, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर जहरा हमारे साथ होंगी और देखेंगे आज वो हमें कौन से किस्सा सुना रही है। बड़ा मजा आता है, यकीन आप लोग भी इंजॉय करते होंगे क्योंकि जहरा इतने अच्छे किस्सा, इन किस्सों को सुनने का मकसद या सुनाने का मकसद सिंपल से इतना सा है कि आप भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे मैं सीख रही हूँ, यकीन आप लोग भी सीख रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जो मैं सीखूँ वो आप लोग सीखें और जो आप लोग सीखें वो आप लोग मुझको सिखाएं। हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर कोई अच्छी बात आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं सुन रही होती, इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चैनल को देख रहे होते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो भी आपकी बात को सुन के बहुत ज़्यादा उन पर भी इफेक्ट होगा, तो बहुत अच्छा होता है। कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक फैमिली का हिस्सा है, आप लोग हमारे साथ हैं, हम सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, आप मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरे अपने और मैं आप लोगों की हूँ। ज़रूर कॉल किया करें और कभी कोई अच्छी बात हुआ करें तो हमें ज़रूर बताया करें। भी जाएंगे जी एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, प्रोफेसर जहरा के साथ हमारे साथ ही रहिएगा। بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
माशाल्लाह समीना, वेलकम बैक जी, आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बख़ैर वाइब के साथ में। आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, और कितनी अच्छी सुरह समीना ने की है कि वाकई एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जी मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हरा साहब, इनको भी मैं वेलकम करती हूँ। हालांकि इनकी तबीयत कल ख़राब थी, लेकिन फिर भी आई, मुझे इतना अच्छा लगा। रात तक इनकी तबीयत ख़राब रही, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वादा था तो मुझे शादी को पूरा करना था, तो उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? कैसी तबीयत रात पे, तबीयत ख़राब एकदम से? बस मुसलसल शायद काम काम और काम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, काम काम अच्छा होता है, लेकिन इंसान है और जाहिर है उसमें थकन का भी एहसास हो जाता है कभी, और बिल्कुल अर्ज और मर्ज तो सबके साथ लगे। अच्छा, माशाल्लाह आप इतना काम करती हैं, आप जाहिर है आप लेक्चरर भी हैं सब, और साथ साथ आप घर को भी लेके चल रही होती हैं, तो फिर किस तरह से टाइम देती हैं घर वालों को, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे? ये हमें आदत हो जाती है, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं, तो वक्त फिर आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन औकात में बरकत रख दिया करता है, और काम जो है हमारे लिए आसान हो जाया करते हैं। तो वो एक आदत सी पड़ गई है कि अगर वो काम मैं नहीं करती तो लगता है कि आज शायद कोई काम किया ही नहीं मैंने, वो आदत हो जाती है। सही है, ठीक है। अच्छा, कब कब सोचा था कि मैं एक लेक्चरर बनूंगी, किस तरह से शौक है? ये हमारा जो घराना है वो एक इल्मी घराना है माशाल्लाह, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई सारे। अच्छा, और बचपन से हमें यही मिला, पढ़ना और पढ़ाना। हाँ अच्छा, दर्स और तदरीस। सही, माशाल्लाह। तो जिस माहौल से इंसान निकलता है फिर वो आखिर तक उसके साथ चला जाता है। सही। तो यही मेरे साथ हुआ, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह से काम करूंगी, लेकिन अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, चले। आज हम किस कौन से अंबिया का, आज मैं मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान करूंगी। ठीक है। कुरान मजीद में आपका जिक्र 130 मरतबा आया है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं कि आपने जब दुनिया में कदम रखा, आपकी माँ छुपाती फिर रही थी अपने हमल को, और जब बेटा पैदा हुआ परेशान हो गई, क्योंकि उस वक्त में हुक्म आ गया था फिरौन का कि लड़के को ना छोड़ना और लड़की हो तो छोड़ दिया जाएगा। आपकी वालदा ने संदूक में बंद किया आपको और दरिया में डालकर आ गई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में डाला था कि तुम हम पर भरोसा करो। अल्लाह के भरोसे पर गोया तवक्कल तो अल्लाह,
मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने बेटे को जिगर के टुकड़े को संदूक में बंद करती हैं, दरिया में डाल देती हैं और वो संदूक तैरना शुरू हो जाता है और एक नहर जो फिरौन के महल में जा रही थी वहाँ वो पहुँच गया है संदूक। और बीबी आसिया अलैहिस्सलाम और फिरौन बैठे हैं तख्त पर, जो ही नज़र आया तो बीबी आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा देखें तो सही इस संदूक में क्या है, तो अंदर से जीता जागता बच्चा बरामद। तसव्वुर ये आता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मर जाया करते हैं, मगर जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपने कहा कि इसको तो हम अपना बेटा बना लेते हैं। अच्छा, आखिर फिरौन ने बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया, कल तक मारने वाला रब ने पालने वाला बना दिया। और मसला ये खड़ा हुआ कि दूध कौन पिलाएगा इस शीर पर। ऐलान कर दिया कि कौन है जो फिरौन के बेटे को दूध पिलाए। हजारों औरतें आई हैं और एक औरत चाहती है, हर एक औरत चाहती है कि मैं दूध पिलाऊं और शर्फ मिल जाए मुझे। मगर अल्लाह का ये नबी किसी का दूध पीना पसंद न करे। आपकी बहन मरियम साथ साथ चल रही थी, जब संदूक तैरता जा रहा था आप दरिया के किनारे किनारे जा रही थी। अच्छा, और वो छुपकर महल में दाखिल हुई और जब देखा कि मेरा माँ जाया किसी का दूध नहीं पी रहा तो आगे बढ़कर कहती है फिरौन से कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो बड़ी नेक और पारसा है, अगर कहो तो मैं लेके आ जाऊँ। अच्छा, ये बच्चा शायद उसका दूध पी ले। सही। वजीर हामान बड़ा चालाक और अय्यार बातें सुन रहा है, कहता है कि हाँ जरूर लेकर आओ। और जब लेकर आई अपनी वालदा माजदा को और माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाए, बच्चा हुमक के माँ की गोद में आ गया और दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू किया, वजीर हामान जो बहुत चालाक है यार समझ गया हो ना हो ये इस बच्चे की माँ। अच्छा, और कहता है कि तुम इसकी माँ हो और आप कहना चाहती हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है। आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए और आपके मुंह पर हाथ रखा कि अगर अभी बताया कि तुम्हारा बेटा है तो कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, इनके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस वक्त आए। जी, और उसके बाद में आप ये कहती हैं फिरौन ने कहा कि दूध पिलाओ, तुम्हारा दूध हमारे बच्चे को पसंद आ गया है, मिस नौकर के रहो। नबी की माँ जलाल में आई और कहा गरज तुम्हारी है फिरौन, दूध तुम्हें पिलवाना है, पिलवाना है तो मेरे साथ मेरे घर भेज दो। अच्छा, रब पर भरोसे का तवक्कल का ये नतीजा मिला कि बेटा भी वापस मिल गया और साथ में जर और जवाहर गए। हाँ बिल्कुल, शाही सवारी छोड़ने के लिए गई। हाँ, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास दूध पिया करते। और आज जब याद आई है बीबी आसिया अलैहिस्सलाम को तो कहती है कि फिरौन जरा देखे तो सही बच्चा कितना बड़ा हो गया, बहुत याद आ रहा है। फिर शाही सवारी गई है, माँ और बेटा दोनों आ रहे हैं। हाँ, फिरौन के महल में दाखिल हुए, मशहूर वाकया है कि जो ही फिरौन ने गोद में लिया आपने जोर से दाढ़ी को पकड़ कर खींचा कि सर भरे दरबार में नीचा हो गया और वो समझा कि मेरी बेइज्जती कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी को खींच लिया, सर भरे दरबार में नीचा कर दिया और चाहा कि कत्ल कर दिया जाए, ज़िबह ले आओ ये बच्चा बड़ा दाना है। तो कहा फिरौन क्या बात करते हो, तुम्हारे बच्चे नहीं, एक थाली में अंगारे मंगवा लो और एक में मोती, अगर ये बच्चा मोती उठाए तो बेशक इसे कत्ल कर देना और अगर अंगारा उठाए तो इसे माफ कर देना। के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि गर्म क्या होता है और ठंडा क्या होता है। अल्लाह सबकी माओ को आबाद रखे। बिल्कुल, अच्छे कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ, फिर इस मजीद गुस्से को आगे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुल्तान से क्या बात? हेलो हेलो हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गया, फिर से हमें कॉल कर सकती हैं। जी फिर तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पर हाथ रखा और तैश में आया फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पर हाथ रखा और तैश में आया फिरौन और कहने लगा जल्लाद को बुलाओ और आपने मशवरा दिया कि एक थाली में अंगारे मंगवाओ और एक में मोती, अगर बच्चा मोती पर हाथ रखे तो इसे माफ दाना समझना, कत्ल कर देना और अगर अंगारा उठाए तो इसे माफ कर देना। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दहकते हुए अंगारे आ गए, चमकते हुए मोती आ गए। अल्लाह का नबी कभी मोती पर निगाह डाल रहा है, कभी अंगारों पर निगाह जा रही, जो दहक रहे एक चमक रहा है तो एक दहक रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक एक अंगारा उठाया और दहने मुबारक में रख लिया। रमजान शहरुर रहमती वल गफूर।